ही गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका, और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं तमिलनाडु की हिस्ट्री बुक। ये हमारी सेकंड ईयर की, इट मींस क्लास 12 की है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग सेकंड लेसन देखने वाले हैं। तो एंशिएंट और मिडाइवल कंप्लीट हो गई है, ये आपकी मॉडर्न की सीरीज चल रही है। तो इससे पहले जितनी भी लेसन कंप्लीट हुई है उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साथ ही मेरी अन अकेडमी की भी लिंक आपको वहीं से मिल जाएगी। कुछ न्यू कोर्सेज लॉन्च हुई है, आप प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो ये इस बुक की कंटेंट है, यानी इंडेक्स है। तो हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग वैरन हेस्टिंग्स की पूरी तरीके से देखे थे कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, इनके अंदर जो है किस तरीके से लोगों को रखा जाता था, इनकी क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस थी, किस तरीके से ये काफ़ी रिफॉर्म्स लाए थे इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखे। आज हम लोग सेकेंड लीडर के बारे में देखेंगे, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है, और इनकी जो शासनकाल थी ये 1786 से 1793 तक थी। तो इनके बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो हमारी ये सेकेंड लेसन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग थर्ड मैसूर वॉर के बारे में देखेंगे, और टीपू सुल्तान की इफ़ॉर्ट जिसने ब्रिटिश को हराने की कोशिश की थी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की शासनकाल में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आई, जुडिशियल रिफॉर्म कैसी थी, और फिर पॉलिसी और पुलिस और अदर रिफॉर्म्स कैसी थी। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस की क्या क्या अचीवमेंट थी। ओके, तो इनके बारे में पूरी तरीके से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है एक वैरियर स्टेटमैन थे, जो कि वैरन हेस्टिंग को सक्सीड किए थे गवर्नर जनरल की पोस्ट में, और वो भी 1786 में। तो इस तरीके से आपको याद भी रखना है कि कौन कौन से गवर्नर जनरल जो है एक के बाद एक आते गए। ओके, तो इस बुक में आप पढ़ते जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होती जाएगी। तो सबसे पहले वैरन हेस्टिंग थे, उसके बाद आए कौन, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, और ये एक इन्फ्लुएंशियल और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो जो थे वो क्लोज फ्रेंड थे प्राइम मिनिस्टर के, जो उस समय पिट थे, और ये डुनान्स के थे। और यहाँ पे उनके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थे ना, उनसे भी काफ़ी ये इन्फ्लुएंस हुए थे। और उनकी खुद की, अगर उनके खुद के बारे में कहे तो वो काफ़ी रिमार्केबल सोल्जर थे। वो भी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी, तो उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस काफ़ी अच्छे सोल्जर भी थे। उसके बाद ये यॉर्क टाउन में काफ़ी, इन्होंने कई बार सरेंडर भी किया है, जो कि 1781 में हुआ था, और ये आपका अमेरिकन ट्रूप्स के पहले हुआ था। उसके बाद इनकी जो रेपुटेशन थी वो पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हुई थी, ये अपनी कॉन्फिडेंस को और अथॉरिटीज़ को जो उनके घर पर थी वो इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन जब ये रिटर्न हुए अमेरिका से, तो इनको ऑफर किया गया कि वो गवर्नर जनरल जो है इंडिया की बन सके। ओके, तो इनको ऑफर किया गया, तो कॉर्नवालिस जो है यहाँ पे प्रॉम्प्ट किए कि ओके ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंस से उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, और जो ये रिस्पेक्ट दी जा रही थी उनको वो यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। साथ ही साथ उनके जो फेलो कंट्री मैन थे उनके कॉन्फिडेंस को भी उनको बरकरार रखा, और जो पार्लियामेंट थे वो प्रिपेयर कर रहे थे कि वो इनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल पावर भी दे, जिनके थ्रू ये कैरी कर सके जितनी भी रेडिकल रिफॉर्म्स होती थी बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट जो 1786 की थी, इनको भी अमेंड करने की कोशिश की, जिसमें कि वो कुछ ओवर रूल करना चाहते थे जितनी भी डिसीजंस दी गई थी काउंसिल के मेजोरिटी के थ्रू। अगर ज़रूरत होती तो ये ज़रूर वहाँ पे ओवर रूल करते। जो अपॉइंटमेंट हुआ था कॉर्नवालिस का, वो एक रिस्पेक्ट के तौर पर हुई थी। ओके, कि उनको रिस्पेक्ट देना है, इंडिया में लाना है, ताकि ये इंडिया की कुछ अच्छी चीज़ें कर सके। उसके बाद जो न्यू ट्रेडिशंस जो चला ना, जिसके थ्रू एक पर्सन को चूज़ किया जाता था एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से, और वो भी जनरल गवर्नर जनरल के पोस्ट के लिए, तो यहाँ से एक रूल चलते चला स्टार्ट हो गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे गुड फॉर्चून था कि इनको एक एक्सेलेंट टीम दी गई। साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन थे, तो जॉन शोर थे, जेम्स ग्रांट थे, और सर विलियम जोन्स भी थे। हालांकि जो कॉर्नवालिस थे वो अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति वो कमेंस रहते थे, वो भी बेनिफिशियल सर्कमस्टांसिस में भी, और वो अपने पॉलिसी को भी कैरी करते थे। अब आते हैं टीपू सुल्तान और थर्ड मैसूर वॉर देखते हैं, जो कि 1790 से लेकर 92 तक थी। तो जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर थी ना 1784 को, जहाँ की आपको मिलिट्री एक्सट्रेंथ देखने को मिली होगी, मैसूर की काफ़ी मिलिट्री जो है स्ट्रांग हो गई थी। यहाँ पे इंग्लिश को वीक करने की कोशिश की जा रही थी, और इंग्लिश को वीकनेस की जैसा देखा भी जा रहा था। यहाँ पे टीपू सुल्तान की जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ते जा रही थी, उनके फादर की जैसा वो भी चाहते थे कि वो इंग्लिश को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दें इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश का दबदबा बढ़ते जा रहा था। तो ये टीपू सुल्तान भी चाह रहे थे कि इंग्लिश का जो दबदबा बढ़ते जा रहा है वो ब्रिटिश को पूरी तरीके से यहाँ से एलिमिनेट करना चाहते थे। उनकी जो कुछ अदर डिज़ाइंस थी, जहाँ पे वो अपने निज़ाम को और मराठा को जो वो रेक करना चाहते थे, उनकी इमेजेस गिराना चाहते थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपने फादर का साथ दिया। और वहाँ पे ज़रूरी था कि ब्रिटिशर्स लोग को इंडिया से हटाया जाए, क्योंकि ये लोग इतना समझ गए थे ना कि अगर इंडिया को
ब्रिटिश से नहीं बचाया जाएगा तो कल को इंडिया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, इसलिए टीपू सुल्तान ये कोशिश कर रहे थे। तो क्या कॉजेज़ थी कि थर्ड मैसूर वॉर हुई, मैसूर वॉर होने के क्या कारण थे ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि टीपू सुल्तान जो है अपने पोजीशन को काफ़ी ताकतवर बना लिए थे और उन्होंने काफ़ी इंटरनल रिफॉर्म्स भी किए थे उसके कारण। यहाँ पे वॉरीज भी क्रिएट हुआ था ब्रिटिश को, काफ़ी चिंतित थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद वो भी चिंतित थे और मराठा भी चिंतित थे। अगर इसके बाद देखें तो टीपू ने एक अटैम्प्ट किया जिसके थ्रू वो फ्रांस की हेल्प लिए, टर्की की हेल्प लिए, जिसके थ्रू वो जो है काफ़ी इन्वॉइस को भी सेंड किए थे अपने कंट्री में, यानी जो लड़ने के लिए अगर वॉर में जैसे लोगों की सोल्जर्स की आर्मीज की ज़रूरत होती है तो टीपू सुल्तान ने हमारे कंट्री में काफ़ी कम थे, तो टीपू सुल्तान ने फ्रांस और टर्की के हेल्प ली जिसके थ्रू वो भी अपने आर्मी और सेना को भेजे थे इंडिया में। उसके बाद उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया और वो भी अपने नेवर के कॉस्ट पर, और यहाँ पे पर्टिकुलरली जो राजा ऑफ ट्रावनकोर थे वो भी ब्रिटिश के साथ अलाई हो गए, वो भी ब्रिटिश के साथ जाके मिल गए थे। 1789 में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है एक ट्राइपार्टाइट अलायंस यानी तीन लोगों के बीच में, तीन कंट्री के बीच में कंक्लूड हुई, वो भी निज़ाम मराठा और ब्रिटिश एक साथ थे जो कि टीपू के अगेंस्ट में थे। ओके, तो यहाँ पे ट्राइपार्टाइट जो आपका अलायंस हुआ था तीन लोग के बीच, तो तीन लोग कौन थे, ब्रिटिश थे, फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे और मराठा थे, इन तीनों ने ऐसा अलायंस किया था ओके टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में, क्योंकि टीपू सुल्तान तो उन लोगों को गिराना चाह रहे थे। तो वॉर जो है वो मई 1790 में हुआ था और ये भी इंग्लिश और टीपू के बीच में हुआ था, यानी ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। ये तीन फेज़ में लड़ा गया था। फर्स्ट फेज़ जो था ना वो कब कमेंस्ड हुआ, जब मेडो यानी जो गवर्नर थे मद्रास के, उन्होंने डायरेक्ट किया कंपेंज को कि वो मैसूर में इन्वेड करे, यानी मैसूर में वो प्रवेश करे, लेकिन टीपूस ने रैपिड मूवमेंट निकाला और उस प्रोग्रेस को यानी ब्रिटिश की ट्रूप्स के प्रोग्रेस को वो रोकने का कोशिश किए और यहाँ पे उनको हेवी लॉस हुआ, यानी टीपू सुल्तान को हेवी लॉस हुआ। उसके साथ ही यहाँ पे क्या हुआ कि कॉर्नवालिस अपने आप में ही उन्होंने एक कमांड एज्यूम कर लिया जो कि दिसंबर 1790 में हुआ। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड फेज़ जो वॉर की थी वो स्टार्ट हो गई और यहाँ पे वो वेलोर में वो मार्च करने लगे और वो बैंगलोर को कैप्चर करने लगे थे मार्च 1791 में। लेकिन टीपू की जो ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी ना वॉर की, और कॉर्नवालिस वो फोर्स कर रहे थे ना कि वो मैंगलोर को रिट्रीट करे क्योंकि यहाँ पे प्रोविजंस की काफ़ी कमी थी। जो थर्ड फेज़ था ना वॉर का वो भी स्टार्ट हुआ कब, जब टाइम जो है मराठा के द्वारा, मराठा से यहाँ पे मदद मिलने लगी और यहाँ पे काफ़ी प्रोविजंस भी देखने को मिले और यहाँ पे उन्होंने रिज्यूम किया अपनी कंपेंज को भी और मार्च को भी जो कि श्रीरंगा पट्टिनम के अगेंस्ट में था। और इस टाइम क्या हुआ ना कि टीपू जो थे काफ़ी डिसएडवांटेज हुए थे, उनको काफ़ी यहाँ पे नुकसान सहने को मिला और जो इंग्लिश फोर्स जो थी ना वो काफ़ी हिल फोर्ट्स को भी पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर ली थी, मतलब अपने अधीन ले आए थे, और जो श्रीरंगपट्टिनम के बगल में जितनी भी फोर्ट थी सब वो अपने अधीन ले आए थे, सब सीज़ कर लिए थे और वो भी फरवरी 1792 में। टीपू सुल्तान ने ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टिनम को कंक्लूड किया और वो भी ब्रिटिश के साथ। जो टर्म्स था इस ट्रीटी का वो इस तरीके से था कि टीपू जो है वो गिव अप कर दिए अपनी सारी डोमिनियन से, यानी जहाँ पे भी वो अपने प्रभुत्व सत्ता को दिखाते थे कि वो सबसे सुप्रीम है, तो उस सारी चीज़ों को उन्होंने दान दे दिया। उसके बाद वो एक वॉर को भी पे कर रहे थे जिसमें कि 3 करोड़ रुपीज़ जो है उनको देना पड़ा और अपने दो सन को भी उन्होंने सरेंडर कर दिया ब्रिटिश के सामने। उसके बाद दोनों साइड जो है वो एग्री हो गई कि यहाँ पे प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया जाए, जिसने भी वॉर में जो प्रिजनर्स थे जिनको जेल में भर्ती कर दिया गया था, जेल में रख दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उन सबको रिलीज़ कर दिया गया। जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम था वहाँ पे एक इवेंट था जो कि याद किया जाता है आज भी साउथ इंडिया में, और ब्रिटिश जो है यहाँ पे लास्ट टेरिटरी को वो सिक्योर करते हैं वो भी मालाबार कोस्ट में। और इसके साथ ही आप देखोगे कि बरामहल जो डिस्ट्रिक्ट थी उनको भी ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट कर लिया और जो डिंडू गल भी थी उनको भी अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद इस वॉर के बाद क्या हुआ कि मैसूर की जो ताकत थी ना वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी और बाद में धीरे धीरे पूरी तरीके से समाप्त हो गई। मैसूर उस समय जो है बहुत बड़ी सिटी थी, आज हम लोग जैसे कर्नाटक देखते हैं ना, तो कर्नाटक उस समय मैसूर था पूरा। धीरे धीरे क्या हुआ कि मैसूर की जो ताकत थी वो कम होने लगी और मैसूर की जो टेरिटरी है वो और छोटी होती गई। उसके बाद धीरे धीरे वो कर्नाटक और बैंगलोर इस तरीके से वो बड़ी सिटी बनने लगी। ओके, तो मैसूर इसलिए आज की डेट में बहुत छोटा हो गया, एकदम छोटी सी टेरिटरी है मैसूर, लेकिन पहले वो बहुत बड़ी थी। टीपू जो है यहाँ पे हार गए थे लेकिन उनको बर्बाद नहीं किया गया था, वो बस हार गए थे। ओके, अब देखते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म किया गया। जो इंटरनल रिफॉर्म की गई थी ना कॉर्नवालिस में वो यहाँ पे तीन मेन हेड्स में था। एक था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की गई, दूसरा था कि रेवेन्यू रिफॉर्म और आप कह सकते हो परमानेंट सेटलमेंट में, फिर थर्ड है जुडिशियल और कुछ अदर रिफॉर्म्स। तो एक एक करके रिफॉर्म्स देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुआ।
यानी अगर हम लोग कॉर्नवालिस की ग्रेटर वर्क देखें, सबसे बड़ी वर्क देखें, तो यहाँ पे उनकी सिविल सर्विस की जो प्योरिफिकेशंस थी ना वो की गई, यानी सिविल सर्विस को यहाँ पे प्योर बनाया गया और यहाँ पे उन सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई जो कि कैपेबल होते हैं, जो कि आपके पब्लिक सर्वेंट में ऑनेस्ट हो। उनका एम था इकॉनमी में यानी सिंप्लीफाई करना है और प्योरिटी लाना है। उन्होंने काफ़ी सर्वेंट यानी कंपनी के काफ़ी सर्वेंट को पाया कि वो अंडर पेड है, यानी वो जिस तरीके का काम कर रहे हैं उस तरीके का उनको पे नहीं किया जा रहा है और वो रिसीव कर रहे हैं बहुत हाई कमीशंस रेवेन्यू के तौर पर। इसके साथ ही क्या हुआ कि वो एक फॉरबिडन कंडक्ट किए और एक प्रॉफिटेबल जो प्राइवेट ट्रेड होता है ना उन रिलेटिव्स के नाम पे वो भी कंडक्ट किए। उसके बाद कॉर्नवालिस जो है उन्होंने एम किया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से क्लीन करेंगे, यहाँ पे जितनी भी वीसीएस सिस्टम है यानी जो भी आपका करप्शन वाली सिस्टम है उन सबको एबॉलिश करेंगे, यहाँ पर स्मॉल सैलरी में पे करने वाले लोगों को भी यहाँ पर एबॉलिश करेंगे और सारे को एक इक्वल मैनर पे उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो डायरेक्टर कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनको काफ़ी हैंडसम सैलरी पे किए जाती थी और अगर हम लोग कंपनी के सर्वेंट को देखें तो उनको काफ़ी कम सैलरी दी जाती थी। उसके बाद कॉर्नवालिस जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किए थे पॉलिसी जिसके थ्रू वो अपॉइंटमेंट को बना रहे थे और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे हो रही थी, तो मेरिट के बेसिस पे होनी थी। पहले करप्शन के बेसिस पे भी होती थी लेकिन अब क्या है कि मेरिट के बेसिस पे वो जो है इंडियन सिविल सर्विस को फाउंड करने का सोच लिए थे। उसके बाद उन्होंने कट डाउन कर दिया जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है और साथ ही साथ वो नंबर ऑफ सरप्लस जो पोस्ट होते हैं ना यानी ज़रूरत से ज़्यादा जो पोस्ट थे इंडियन सिविल सर्विस में उसको भी अबॉलिश कर दिए। और कुछ और मेज़र अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो कॉर्नवालिस जो है इंट्रोड्यूस किए थे एक सेपरेशंस जो कि थ्री ब्रांच के सर्विस के थ्री ब्रांच में थी। सबसे पहले थी कमर्शियल, फिर थी जुडिशियल, फिर थी रेवेन्यू। तो जो कलेक्टर्स थे यानी किंग्स पिंग्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के वो डिप्राइव्ड हो गए अपने जुडिशियल पावर से और उनकी जो वर्क थी ना वहाँ पर वो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। ओके, उनका वर्क इतना ही था कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करें। उसके बाद अगर हम लोग जुडिशियल रिफॉर्म देखें तो यहाँ पे अगर जुडिशियल रीऑर्गेनाइजेशन के वर्क को देखें तो कॉर्नवालिस जो है वो सर विलियम्स जॉन के सर्विस को सिक्योर कर रहे थे जो कि जज थे और ग्रेट स्कॉलर भी थे। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कम्प्लीटली रीऑर्गेनाइज था। अगर हम लोग जुडिशियल सर्विस के टॉप में देखें तो हाइएस्ट सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स जो अपील की जाती थी उसमें सादर दीवानी अदालतें और सादर निज़ामत अदालतें जो कि फंक्शन कर रहे थे कलकत्ता में, लेकिन इनमें दोनों जो थे ना ये प्रिसाइड किन के द्वारा किया जाता है, गवर्नर जनरल के द्वारा और उनके काउंसिल के द्वारा। यहाँ पे फोर प्रोविंशियल कोर्ट थे अपील के लिए जो कि कलकत्ता में था, ढाका में था, मुर्शिदाबाद और पटना में था। इनमें से जो तीन थे ना वो यूरोपियन जज के अंडर में आते थे और इसको असिस्ट किया जाता था इंडियन एडवाइज़र के थ्रू। डिस्ट्रिक्ट और सिटी कोर्ट्स आप देखोगे तो ये भी हर एक यूरोपियन जज के अंडर फंक्शन करती थी। हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, यानी हर एक कोर्ट को ना एक डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड किया गया था। और यहाँ पे कॉर्नवालिस जो है उन्होंने जितनी भी कलेक्टर्स थे यानी जुडिशियल पावर के जितने भी कलेक्टर थे उनको हटा दिए और यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल कलेक्शंस ऑफ रेवेन्यू को बनाया गया कि जितनी भी रेवेन्यू आ रही है उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट जज थे ना उनको भी अपॉइंट किया गया, इंडियन जजेस जो थे और मुंसिफ जो थे उनको भी अपॉइंट किया गया सारे कोर्ट में जो कि बॉटम लेवल की जुडिशियल सिस्टम की कोर्ट होती थी। अगर क्रिमिनल केसेस की बात करें तो मुस्लिम लॉ जो है वो भी इम्प्रूव किया गया और उनको फॉलो किया जाने लगा। सिविल केसेस की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम लॉ जो है वो भी फॉलो किया जाता था और यहाँ पे जो लिटिगेशन की रिलीजियस है उसके अकॉर्डिंग। अगर इसके साथ ही देखें तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो जज थे ना वो डिसाइडिंग अथॉरिटी थे और कॉर्नवालिस जो थे वो मर्सीफुल थे टेम्परामेंट के द्वारा। वो हेट करते थे जितने भी बर्बरस पनिशमेंट दी जाती थी, यानी काफ़ी जो यहाँ पे बिल्कुल इनह्यूमन पनिशमेंट दी जाती थी उनको वो हेट करते थे और एबॉलिश भी करते थे उस तरीके का जो पनिशमेंट देती थी। अगर कॉर्नवालिस का देखें तो वो बेटर जानते थे कि एक लॉ गिवर क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटर में और यहाँ पे साथ ही वो अपने कलिक की हेल्प से जो जॉर्ज बेडलो थे कॉर्नवालिस ने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड को प्रिपेयर किया और यहाँ पे जितने भी फील्ड हैं एडमिनिस्ट्रेशन के जुडिशियल पुलिस कमर्शियल फिजिकल सबको कवर किया। ये जो कोड थी ना ये कोड जो है आपका बेस था किस पे, जो प्रिंसिपल थे मॉन्टेस्क्यू के उनके कोड पे ये बेस था और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर जो था वो मेन चीज़ था। यानी यहाँ पे अगर आप वेस्ट में देखोगे तो सेपरेशन ऑफ पावर को बेस्ट चीज़ लेकर आया और यहाँ पे जितनी भी जुडिशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, सबके पावर को एक सेपरेट किया गया, वो भी 18th सेंचुरी में। इसमें क्या था ना कि जितनी भी आपको देखने को मिलेगा जो आपका करप्शन चल रहा था, जो इन ऑर्डर से इन ह्यूमन की तरीके से यहाँ पे जो फ़ायदा लिया जा रहा था, जो चीज़ें चल रही थी उन सबको कर्व किया जा रहा था। ओके, अब पुलिस रिफॉर्म में बात करें, जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जुडिशियल रिफॉर्म का हुआ था उसमें ज़रूरत था कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज करे और डिस्ट्रिक्ट जज जो थे ना वो पुलिस को कंट्रोल करते थे और हर एक डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड था आपका थानाज में, पुलिस सर्किल में, जिसमें कि आपको कम से कम 20 स्क्वायर मील्स की दूरी पर देखने को मिलेगा। साथ ही
साथ ये इंडियन ऑफिसर के अंडर में थे जिसको हम लोग दरोगा कहते हैं, और वो भी यहाँ पे असिस्ट किए जाते थे बहुत सारे कॉन्स्टेबल के थ्रू। और जो पुलिस रीऑर्गेनाइजेशन थी यानी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन थी वो काफ़ी इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन हम लोग मर्शमैन के वर्ड में देखें तो जो दारोगा थे ना वो काफ़ी अनलिमिटेड पावर जो एक्सटॉर्शन का होता था, लोगों को परेशान करना या फिर कुछ भी अपना धाक जमाना, इस तरीके से जो है दारोगा जो है यहाँ पे इंजॉय करते थे और वो स्कॉर्ज ऑफ द कंट्री बन जाते थे। यानी वो जो चाहे चाहते थे वो करना चाहते थे। आज भी देखते हैं हम लोग दारोगा का कितना चलती है। ओके, चलती मीन्स वो लोग अपने जो उनको जो जिला मिला रहता है, उनको जो जगह मिला रहता है, उस जगह पर वो अपनी मनमानी करते हैं, बिना पैसे दिए वो सब्जी खरीदते हैं, बिना पैसे दिए वो दुकानों से सामान लेते हैं, तो अपनी मनमानी करते हैं, अपना धौक जमाते हैं, तो उस तरीके से उस समय भी चलता था। ओके, कुछ और अगर हम लोग अदर रिफॉर्म्स देखें तो कॉर्नवालिस यहाँ पे रिफॉर्म करना चाहते थे बोर्ड ऑफ ट्रेड जो कि मैनेज करती थी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कंपनी की। ओके, साथ ही यहाँ पे चार्ल्स क्रांट को भी यहाँ पे मदद मिलता था और वो काफ़ी जितने भी अब्यूज़ थे या करप्ट प्रैक्टिसेस होती थी उनको हटाने की कोशिश करते थे। फेयर ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे वेवर्स को दी जाती थी और इंडियन वर्कर्स को दी जाती थी। वो यहाँ पे जो ऑनेस्ट सर्विस थे ना उनको भी यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब कॉर्नवालिस की एस्टिमेट देखें तो कॉर्नवालिस जो है एक ब्लू ब्लडेड एरिस्टोक्रैट थे और साथ ही साथ वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने काफ़ी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज किया, वो भी निर्भय यानी बिना डरे हुए, और साथ ही अपने लाइफ को भी वो बहुत अच्छे से ड्यूटी के साथ जीते थे और सेक्रीफाइस भी करते थे। वो काफ़ी जगह उन्होंने टीपू के ग्रोइंग के डेंजर को भी उन्होंने देखा और जो टीपू की जो पावर भी बढ़ रही थी उनके अगेंस्ट में भी उन्होंने खड़े हुए थे। साथ ही साथ वो बहुत सारी ऐसी पॉलिसी भी लेकर आए जो लोगों के हित में थी। अगर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर देखें तो वो जितनी भी कंपनी की पोजीशन थी इंडिया में उनको कंसोलिडेट किए और यहाँ पे एक ट्रेडिशन स्टार्ट की जो कि इफ़िशियंट है और प्योर एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म पर आई। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी डिफीट किए थे जो परमानेंट सेटलमेंट होता था लैंड रेवेन्यू के लिए, उनको हटाए। उसके बाद उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म थी वो भी काफ़ी सॉलिड अचीवमेंट देखने को मिली। उसके बाद उनको जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पेरेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स लेकर आए और वो फाउंडर भी थे एक इफिशियंट और क्लीन सिस्टम जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का था। सर जॉन सोर जो थे उन्होंने कॉर्नवालिस को सक्सीड किया एज ए गवर्नर जनरल और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना वो भी अनइवेंटफुल थी। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेसन कम्प्लीट होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े हैं। तो हम लोग पहले देखे थे कि क्या कॉजेज थी, क्या कोर्सेज थी और थर्ड मैसूर वॉर की क्या रिजल्ट थी। ओके, उसके बाद हम लोग देखे जो चेंजेस थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में किस तरीके से की गई थी कॉर्नवालिस के थ्रू, क्या क्या कॉर्नवालिस के थ्रू जुडिशियल रिफॉर्म हुए, उनके क्या इंपॉर्टेंस थे, क्या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस हुई, उसके बाद कैसे जनरल एस्टिमेट लगाया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ लॉर्ड हम लोग कॉर्नवालिस देखे। ओके, तो ये पूरी तरीके से आप देख सकते हो एक जो गवर्नर जनरल की अलग से जो होनी चाहिए ना जो पूरी बात वो आपको इस बुक में मिल जाती है। आप पूरी तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो शासनकाल थी, किस तरीके से वो लोगों को देखते थे, किस तरीके से वो करप्शन को हटाना चाहते थे, वो किस तरीके के गवर्नर जनरल थे, ये हम लोग समझ सकते हैं उनकी इस तरीके की ड्यूटी करने से। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको उन पर शॉर्ट नोट्स भी लिखने आए या फिर किसी भी तरीके की क्वेश्चन आए इस समय की बात तो आप लिख सकते हो। ओके, तो चलिए कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं और इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। कुछ बच्चे स्टार्ट किए हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर ऑल दैट स्टूडेंट्स जो यहाँ पे इनिशिएटिव ले रहे हैं कि वो मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। चलिए यहाँ पे बताइए कि कौन सी करेक्ट आंसर है। चूज़ दी करेक्ट आंसर कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या इंट्रोड्यूस किया, महलवारी सिस्टम या परमानेंट सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम या जागीरदारी सिस्टम। ओके, ये आपको बताना है। फिर फिलिंग दी ब्लैंक्स है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रिपेयर किया है एक लॉ कोड, तो ये किसके हेल्प से किया था, कौन का लिखते हैं इनके। उसके बाद यहाँ मैच दी फॉलोइंग है, आपको करना है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। इतना डेट याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हो तो कभी कभी डेट पूछ लिया जाता है। ओके, कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किस समय हुई थी, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टिनम किस समय हुई थी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से निकाल के लाना है और यहाँ पे सिर्फ वन ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इन तीनों में से आपको बताना है। फर्स्ट है कि सीपू सुल्तान ने कंक्लूड किया था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टिनम और ये भी फ्रेंच के साथ, तो आपको ये बताना कि करेक्ट है कि गलत है या करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। दूसरा है कि दारोगा वाज ए रेवेन्यू ऑफिशियल। थर्ड है कि जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी वो आपका हैदर अली के डेथ के बाद हुई थी, तो इन तीनों में आपको बताना है कि कौन सी सही आंसर है। ओके, तो गाइस मैं इस लेसन को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूले, इससे मुझे मोटिवेशंस मिलती है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट्स क्वेरीज या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।